हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द सेक्स हार्मोन कंट्रोल पॉवर्टी रिप्रोडक्शन बर्थ एंड लैक्टेशन। इसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ओस्ट्रोजेन इन फीमेल आर रिक्वायर्ड इन द मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन। मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेक्स हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर ओस्ट्रोजेन का लेवल ज़्यादा होता है। और ये दोनों हार्मोन जो है मेल में भी पाया जाता है और फीमेल के अंदर भी होता है, जिसमें क्या होता है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और ओस्ट्रोजेन का लेवल फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बट मेनली इन द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन बट इन द डिफरेंट लेवल। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजेन है वो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका जो लेवल होता है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन इज हाई इन मेल, टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल मेल के अंदर ज़्यादा होता है और ओस्ट्रोजेन इज हाई इन फीमेल, ओस्ट्रोजेन का लेवल फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स हार्मोन के वजह से कौन कौन सा मेल के अंदर और फीमेल के अंदर डिसऑर्डर होता है। तो मेल के अंदर जो डिसऑर्डर है, जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस या जो प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस होने के वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाइपोगोनाइडिज्म, गाइनोकोमास्टिया, ये कुछ मेल सेक्स डिसऑर्डर है। और फीमेल के अंदर जब ओस्ट्रोजन का जब सिंथेसिस और प्रोडक्शन इम्बैलेंस होता है तो पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हिर्सुटिज्म, एंड्रोजन एक्सेस, ये कुछ फीमेल के अंदर सेक्स डिसऑर्डर है। तो इसमें से हम डिस्कस करेंगे पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो जो पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम है इसको शॉर्ट फॉर्म में PCOS भी बोला जाता है। जो पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ये फीमेल के सेक्स डिसऑर्डर है। इट इज मेनली अफेक्ट द वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जब वोमेन रिप्रोडक्टिव एज में आता है तो उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन दिस कंडीशन इरेगुलर प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड और एक्सेस मेल हार्मोन एंड्रोजन लेवल, इस कंडीशन में क्या होता है फीमेल के अंदर एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से पीरियड टाइम पे नहीं होता है। तो इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, मेनी स्मॉल सैक्स आर प्रजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ ओवरी। आउटर लेयर ऑफ ओवरी पे बहुत सारे सैक प्रजेंट होता है और वो सैक क्या हो जाता है इस कंडीशन में फ्लूड से फिल्ड हो जाता है, जिस कंडीशन को हम सिस्ट बोलते हैं। और जो फ्लूड होता है उसमें इमैच्योर एग प्रेजेंट होता है और उस कंडीशन को हम फोलिकल्स बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज फिल्ड विथ फ्लूड, वो क्या होगा, जो सैक है वो फ्लूड से फिल्ड हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम सिस्ट बोलते हैं। एंड डैट फ्लूड कंटेंट, वो फ्लूड क्या कंटेंट किया हुआ होता है, इमैच्योर एग्स विच इज कॉल्ड फोलिकल। वो जो फ्लूड है उसमें इमैच्योर एग्स होता है जिसको हम फोलिकल्स बोलते हैं। फोलिकल्स फेल टू रेगुलरली रिलीज एग, और वो फोलिकल क्या करता है, रेगुलर टाइम पे एग को रिलीज नहीं करता है, जिसके वजह से पीरियड जो है वो लेट आता है। तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जैसे इस कंडीशन में क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स आएगा, हैवी ब्लीडिंग, हेयर ग्रोथ, वेट गेन, स्किन डार्केनिंग एंड हेडेक, ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो फीमेल के सेक्स डिसऑर्डर की वजह से देखा जाता है। जिस फीमेल में पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उस पेशेंट में ऐसा साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी, जो पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है इसके होने का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहले हाई लेवल ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, अगर फीमेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, कहने का अर्थ एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसको वजह से पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द बॉडी इंसुलिन। नेक्स्ट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और इन्फ्लामेशन, अगर ओवरी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा उसके वजह से भी पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कॉज हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कैसे पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम
फीमेल के अंदर डेवलप होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स एक फैक्टर हो सकता है, दूसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर, और नेक्स्ट जो है डाइट और लाइफ स्टाइल, इसके वजह से पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का चांस होता है। तो जैसे इस कंडीशन में इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स में क्या होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जब हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, कहने का अर्थ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका रेशियो अगर बढ़ जाए या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका सेक्रेशन कम हो जाए फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसके वजह से भी पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हाइपर एंड्रोजेनियम कंडीशन में क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा जिसकी वजह से पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का चांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इंसुलिन रेसिस्टेंस, इस कंडीशन में क्या होता है, जब इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो इसके वजह से भी पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का चांस होता है। तो इस प्रकार से एक फीमेल बॉडी के अंदर पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डेवलप होता है।